करवाएंगे, सभी लोग शांति बनाए रखें ताकि हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, उसके धन्यवाद के साथ में आए, प्रार्थना के साथ में आए। और परमेश्वर का वचन आज के समय के अनुसार इस प्रकार से प्रकाशित है, वचन संहिता उसका 42वां अध्याय इस प्रकार से हमारे जीवन के लिए कहलाता है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वर के बीच में न्याय करता है। तुम लोग अपना दृढ़ न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे, कंगालों और अनाथों का न्याय चुकाओगे, दीन दरिद्रों का विचार धर्म से करोगे, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के साथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते हैं और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेर के चलते फिरते रहते हैं, पृथ्वी की पूरी नींद उजली जाती है। मैंने कहा था तो ईश्वर को जाओगे। हे परमेश्वर को पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपना भाग में लेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष मिले, हम धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करें। महाराज पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए आराधना के लिए, महिमा के लिए, स्तुति के लिए पिता परमेश्वर, तो दया कर सागर है अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, आपके ग्रोह का पिता परमेश्वर हमारे जीवन को लेकर चलता है। और पिता परमेश्वर ईश्वर पिता परमेश्वर केवल सामर्थ्य हमारा न्याय हमारा धर्म परमेश्वर है, हम इस बात को प्रार्थना के रूप में चलाते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, दया का सागर है पिता परमेश्वर, आपसे आराधना के समय को पिता तेरे हाथों में हम सौंपते हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपकी दया और करुणा का महान पिता हमारे जीवन के ऊपर सदा बना रहे हैं। उद्धार करता प्यारे पे देव प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम गीत गाएंगे 343। नंबर का ये गीत है, आजमाया जो मैं जाऊं ना करना गुनाह। 343 नंबर का ये गीत है। चांद भाई आप बैठ अगुवाई करेंगे। हमारे गीत की किताबों में गीत नंबर 343 आजमाया है। बड़े अच्छे गीत के बोल हैं, अगर हम अच्छे से समझे तो हमें समझ में आता है कि गीत का हम से क्या कहना चाहते हैं। Oh.
गाएंगे, ये आखिरी वाला गीत गाएंगे हम। सीख उसकी हलीमी, रख उसका मिजाज, तब दुनिया को जीत के तू पावेगा ताज। जो तेरा है शाफी वह मददगार, डाल उस पर भरोसा वो करेगा, है ना। हम इस बात को इस बात को हम एक बार पैरा को हम गाएंगे। हाँ जो कि हम उससे मदद मांगते हैं और वह हम पे अपनी करुणा को बना के रखता है। सब इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं इस गीत के माध्यम के द्वारा। आइए हम रसूलल्लाह के पिता को या विश्वास वचन को एक साथ मिलकर दोहराएंगे, जो कि इस प्रकार से किताब के पहले प्रश्न में पाया जाता है।